जब भी आप क्रोम ब्राउज़र से यानी क्रोम ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती होगी आपको, वार्निंग योर फोन इज़ डेंजर, इस तरीके से लिखा आता है। और क्रोम ब्राउज़र की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होती हैं उनमें आपको इस तरीके से मिलेगा। जैसे कि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये देख सकते हैं डेंजर इस तरीके से आ जाएगा कि आपका फ़ोन इस तरीके से ये हो गया है, आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे वायरस आ गए हैं, आपका फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका फ़ोन डेंजर एरिया में आ गया है, डेंजर हो गया है, ये हो गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मैसेज आते होंगे। तो मुझे भी आते थे, मैंने यहाँ पर सही कर लिए हैं कि आपको भी वार्निंग योर फोन इज इन डेंजर इस तरीके से मैसेज आते हैं, तो इन्हें आप कैसे बंद करेंगे, ये क्यों आते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए क्यों आते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फोन में चला जाए। देखो, जब भी आप क्रोम ब्राउजर के अंदर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन को अलाउ कर लेते हैं तब आपको ये देखने के लिए मिलते होंगे। तो आपको बस एक काम करना है, छोटा सा काम है बिल्कुल, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर आपको देखना है ऐप्स, जहाँ पर ऐप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ऐप मैनेजमेंट है मेरे फ़ोन में, आपके फ़ोन में ऐप जहाँ पे होते हैं, ऐप लिस्ट ये रहा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो ऐप लिस्ट है, यहाँ पे आपको लिखना है क्रोम, जैसे मैं लिख देता हूँ क्रोम, यहाँ लिख दूंगा CHR इस तरीके से, क्रोम पे आप इस तरीके से लिखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा मैनेज नोटिफिकेशन, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन ऑन होती हैं। तो आपको क्या करना है, जी देखो लॉक स्क्रीन और बैनर, ठीक है, इन्हें आपको सबसे पहले यहाँ से हटाना होगा नोटिफिकेशन को, और इसे भी यहाँ से बंद कर देना होगा। अब आपको ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, मुझे भी ये आती थी, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज़ हैं आपको डराने के लिए, ठीक है, और इससे बच के रहिए। कोई फालतू की चीज़ गूगल पे सर्च मत कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो फिलहाल लेता हूँ विदा, जय हिंद।